बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा ऐतबार की इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई। अबे तुझे बोला था ना कॉल रिसीव करने को, रिजेक्ट क्यों करा तूने? उसने बॉल क्यों मारी? तब बॉल मारी उसने तो उसे जान से मार देगा। जान से नहीं मारा है उसे, मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें, और वैसे भी भगवान गलती नहीं माफ करते, भगवान ही मैं। तो अपने आप को ज्यादा भगवान मत समझ, भगवान नहीं है तू, और कर्मा लौट के आएगा। सिखा मत मुझे, ठीक है लड़े यहां से। ये का पेंटिंग बना है रे? तो साला तरबूज की तरह फोड़ दिया है, परोस दे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। क्या नाम है उस लौंडे का? मैं का नाम तो तसाय ना। हाँ उसको बुलाओ, तुरंत बुलाओ। सर बताइए। लाइटर है? लाइटर बता तुमको क्या क्या बताए। उस दिन हम खेल रहे थे यहाँ पे, तो हमारा एक दोस्त था आयुष, उसने एक शॉट मारा जाके लड़के को, बॉल लग गई। तो वो लड़का थोड़ा सा मतलब पागल टाइप लग रहा था, बैठा हुआ था। उसने दोबारा एक शॉट मारा, फिर जाके उसको लग गई। तो वो लड़का आया, उसने आके अपना चश्मा वश्मा फेंका, उसको मारा आके हमारे दोस्त आयुष को। तो हम लोग वहाँ खेल रहे थे, हम लोग ने भी आके उसको फिर मार दिया, क्योंकि हमारा दोस्त पिट रहा था, हमने जाके उसको फिर दोबारा मार दिया बस। भाई क्या हो गया यार उसके साथ, बहुत बुरा हुआ। भाई अब क्या कर सकते हैं यार, जो रहा था हो गया। उसके मम्मी पापा कन्फर्म किया? हाँ कॉल कर दिए, आ रहे होंगे थोड़ी देर में अभी। चलिए सर, ये लोग विक्टिम के रूममेट्स। कहाँ से तुम लोग जब ये सब हुआ था? सर तो अपनी बंदी के साथ था। तुम कहाँ थे? मैं भी बंदी के साथ ही गया था। इसकी? नहीं नहीं अपनी बंदी के साथ। कमाल है भाई, तुम लोग वहाँ मजा कर रहे थे तो तुम्हारे दोस्त के साथ जहाँ मजाक हो गया। खैर लास्ट को पहले किसने देखा था? मैं जब कल रात में 3 बजे आया तो मैं देखा ये सब हो रखा था, फिर मैंने गार्ड को इन्फॉर्म किया तो उसने शायद आपको बुलाया कॉल करके। ये कैमरा चलता है? चलता तो है। उसकी फुटेज मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? आ जाएगी, निकलवा देते हैं। जल्दी निकलो। ठीक है। ये बताओ उस लड़के विमान को कैसे जानते हो? सर ज्यादा कुछ तो नहीं, सीधा साधा लड़का था, लेकिन कुछ दिन से उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। उस दिन उसने आयुष को भी मार दिया, पर उसका एक दोस्त है पाजी। हाँ सर वो मेरा दोस्त था। था मतलब? सर उसका बिहेवियर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था। आयुष को कैसे जानते हो? सर वो मेरे सीनियर थे और मैंने एक बार उन पे फेवर भी किया था। फेवर? कैसा फेवर? मैंने उनकी एक बार जान बचाई थी। कैसे? तो सिगरेट मिलेगा? तुमने मारा है क्या उनको? मारा तो नहीं है सर,
लेकिन कहीं ना कहीं कारण तो मैं ही हूं। कैसा कारण? सर देखो, मेरे पास एक खास शक्ति है। मेरे पास कॉल आता है रात में, मैं अगर उस कॉल को रिसीव कर लूंगा तो वो इंसान बच जाएगा, अगर उस कॉल को रिजेक्ट कर दिया तो वो इंसान मर जाएगा। मतलब आयुष का कॉल तुम्हारे पास आया था? आयुष का कॉल नहीं आया था, वो कॉल आई थी, उस पर आयुष की फोटो थी, मैंने एक बार उसको बचाया भी। दूसरी बार क्यों बचाया? एहसान नहीं चुकाना आता था सर उसको, दो बार मेरे सर पे बॉल मारी उसने। एक बॉल के लिए तुमने उसको बचाया नहीं, बॉल तो लगी थी भाई। सर भगवान गलती नहीं माफ करते, मैं हूं भगवान, कौन जिएगा कौन मरेगा मेरे हाथों में। ये सब जो यहाँ बातें हुई हैं, अरेस्ट कर लेगा तुम्हें, मैं कर सकता हूँ। कैसे करोगे सर, ना आपके पास सबूत है ना ही कोई गवाह, छोटे झगड़े के लिए मैं उसको मार दूंगा, कौन मानेगा आपकी बात, बचकानी है। क्या हुआ सर? कुछ तो खेल हो रहा है यहाँ पे। कर्मा घूम के आया, उसके दोस्त की ही फोटो उस दिन कॉल पे थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं हो पाई, अंततः उसको कॉल डिक्लाइन करनी पड़ी। हेलो 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 गुरप्रीत, गुरप्रीत हेलो हेलो। हाँ तो हरामी, लेकिन मर गया, क्या ही कर सकते हैं, करना तो हम ही को है, पुलिस वाले तो हम ही हैं। बात सही। कौन है? अरे विवान, गुप्पी की आत्मा के शांति के लिए पाठ है। तुम जाओ, मैं आता हूं। ठीक है। विवान को उस समय तक समझ में आ गया था कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने पूरी जान से एक बोतल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।